हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप रिमाइंडर एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक कैटेगरी है, या तो फिर आप उसे ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप रिमाइंडर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी रिमाइंडर एक साथ कलेक्ट हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह अलग अलग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंडर में रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और दूसरी भी चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने रिमाइंडर एप्लीकेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इन्फॉर्मेशन बटन में जाइए आप और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि आप रिमाइंडर एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रिमाइंडर एप्लीकेशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक रिमाइंडर है, उसमें मैंने दो रिमाइंडर क्रिएट किए हैं। लेकिन अगर मैं बहुत सारी रिमाइंडर मैनेज करना चाहूँ, जैसे फैमिली के लिए, फ्रेंड्स वगैरह के लिए, तो क्या होगा कि ये एक ही लिस्ट में अगर मैं पूरी रिमाइंडर डालता हूँ तो पूरा कंजेशन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मुझे बाद में सर्च भी करना हो, कुछ चेक करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे रिमाइंडर का एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपली आपको क्या करना है, ये जो स्क्रीन है उसे थोड़ा स्वाइप करना है। जैसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, आपको उसे टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू रिमाइंडर और क्रिएट न्यू लिस्ट। तो आप यहाँ प्लस आइकॉन के थ्रू जो क्रिएट करते थे वो नया रिमाइंडर क्रिएट होता था, लेकिन अभी हमें नया एक ग्रुप यानी लिस्ट क्रिएट करना है, उसे ग्रुप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन के रेफरेंस में उसका नाम दिया गया है लिस्ट। तो जैसे मैं यहाँ टैप करूँगा तो एक नया लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा और मुझे ये लिस्ट में कुछ नाम देना है। जैसे आप जो भी पर्पज़ के लिए ये पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किड्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे ये किड्स, और स्कूल एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं तो कोई आप ऐसे अप्रोप्रिएट नाम दे दीजिए, यानी किड्स के जो स्कूल के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ या तो जो भी रिमाइंडर है वो ये लिस्ट में आप एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप उसे कलर भी सेट कर सकते हैं, आपको जो कलर देना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये रेड कलर सेट कर दिया और बाद में डन बटन प्रेस कर दिया। तो जैसे डन प्रेस कर दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिमाइंडर किड्स स्कूल का एक लिस्ट क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे एक बॉटम में एक देख रहे हैं कि एक छोटा सा ऐसा लगता है कोई पेज है हिडन, तो यहाँ पे मुझे टैप करना है। जैसे मैं टैप करूँगा तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो पहले डिफ़ॉल्ट लिस्ट था वो तो है, साथ में एक नया लिस्ट क्रिएट हो गया किड स्कूल। तो अब क्या होगा कि आप दो रिमाइंडर का लिस्ट पैरेलली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जब भी टैप करूँगा और यहाँ से अब प्लस करके जो भी रिमाइंडर ऐड करूँगा वो ये रिमाइंडर्स का जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है उसमें जाएगा। यहाँ पे टैप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ टैप करना होगा, क्योंकि कई बार ये बहुत छोटी सी स्पेस है, उसकी वजह से ये पूरा जो इंटरफेस वो फिर से नहीं आता। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ टैप करने से काम नहीं करता तो आपको स्वाइप कर देना यहाँ से टॉप करके। तो स्वाइप कर देंगे तो अभी पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी मुझे किड्स स्कूल में एक रिमाइंडर ऐड करनी है तो कुछ नहीं करना, उसे सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से एक सिंपली एक रिमाइंडर ऐड कर देनी है टेस्टिंग के लिए, जस्ट लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा लिस्ट आ गया है। किड्स स्कूल के अंदर एक रिमाइंडर है और नॉर्मल जो लिस्ट के अंदर दो रिमाइंडर है। अब हम देखते हैं कि आप ये पर्टिकुलर लिस्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर मुझे लिस्ट में मूव करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये रिमाइंडर पे जाना है। आप जैसे रिमाइंडर पे जाएंगे वो पर्टिकुलर रिमाइंडर आपको एडिट में जाना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन का आइकॉन टैप करना है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन का आइकॉन टैप करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक नया ऑप्शन आ गया है लिस्ट, पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो जैसे आप मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अभी जो ये पर्टिकुलर रिमाइंडर है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर लिस्ट में, अगर मुझे उसे मूव करना है स्कूल लिस्ट में तो सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिस्ट। बाद में मुझे सिंपली प्रेस करना है डन बटन। तो आप डन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो मेरे नॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट जो है उसमें से मूव हो गए किड्स स्कूल में। अगर मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे दो रिमाइंडर आ गए। अब हम देखते हैं कि आपको पूरा लिस्ट कैसे डिलीट वगैरह करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नया लिस्ट क्रिएट करूँगा, करके बताऊँगा टेस्ट। तो जैसे एक टेस्ट लिस्ट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर दिया और डन बटन प्रेस कर दिया,
तो यहाँ पे टेस्ट का एक नया लिस्ट क्रिएट हो गया है, और अब हम देखते हैं कि आप ये लिस्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको लिस्ट के अंदर जाना है, जैसे ही लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, जैसे आप एडिट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसका कलर चेंज कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल येलो, और बाद में डन बटन प्रेस कर दिया तो कलर चेंज हो गया, लेकिन हमें वो लिस्ट को डिलीट करना है। तो सिंपली एडिट में जाना है, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे एक डिलीट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब भी डिलीट लिस्ट करेंगे तो उस टाइम पर अगर इसमें कोई भी रिमाइंडर वगैरह होगी तो वो भी डिलीट हो जाएगी। तो मुझे टैप करना है डिलीट लिस्ट, जैसे मैं डिलीट टैप करूंगा यहाँ वो ऑप्शन आ जाता है, यानी आपको कंफर्म करना है दिस विल परमानेंटली डिलीट ऑल रिमाइंडर इन टेस्ट, यानी ये लिस्ट टेस्ट जो लिस्ट है उसके अंदर जितनी भी रिमाइंडर होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर उसमें कुछ रिमाइंडर है आपके लिए ज़रूरी है तो पहले उसे कुछ दूसरे लिस्ट में मूव कर लीजिए और बाद में उसे डिलीट कर दीजिए। और अगर आप पूरा लिस्ट ही डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली प्रेस कर दीजिए डिलीट, तो जैसे ही डिलीट प्रेस कर दिया पूरा लिस्ट डिलीट हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो लिस्ट और टेस्ट लिस्ट डिलीट हो गया। तो ऐसे आप रिमाइंडर एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।